कहते हुए गर्व है कि 2022-23 में मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर में जो वृद्धि हुई है वो है 16.43%। आपको याद होगा पिछले बार 21-22 में हमारी आर्थिक वृद्धि दर थी 18.02%। अब 18.02% के ऊपर 16% से ज़्यादा फिर प्राप्त करना, ये अपने आप में ये सिद्ध करता है कि मध्य प्रदेश आर्थिक दृष्टि से भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ये बावजूद कोविड के हुआ है। तो कोविड के बाद ये बाउंस बैक है। सकल घरेलू उत्पाद 2001 और 2 में जो आंकड़े मुझे मिले उसमें था 71,594 करोड़ रुपया, जो बढ़कर अब हो गया है 13,22,000 करोड़। तो 71,594 करोड़ जो 2002 में था अब बढ़ के 13,22,000 करोड़। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी GSDP किस गति से लगातार बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखें तो 1, 2, 3 के आंकड़े मुझे नहीं मिले, लेकिन 11 और 12 में, नहीं 1 और 2 में थे 11,718 रुपया। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम 2002 तक थी 11,718 रुपया, 11-12 में बढ़ के हुई 38,497 रुपया, और 22-23 में बढ़ के ये हो गई है 1,40,500 रुपया। ये पर कैपिटल इनकम जो बढ़ रही है वो ये सिद्ध करती है कि लोगों के पास लगातार आय के साधन बढ़ रहे हैं। ऋण और GSDP का जो अनुपात है, हम पे अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि हम कर्जा ले रहे हैं, लेकिन आप आंकड़े अगर देखेंगे 2005 में ऋण GSDP अनुपात, मतलब GSDP के अनुपात में जो कर्जा लेते थे वो था 39.5%, 39.5%। लेकिन कोविड महामारी की कठिनाइयों के बावजूद ये 20 और 21 में घटकर हो गया है 22.6%, 22.6%। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि GSDP के अनुपात में ऋण का प्रतिशत लगातार घटा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, अगर आप देखेंगे तो पिछले साल हमारा पूंजीगत व्यय था 37,089 करोड़ रुपया, हमने एक साल में उसको बढ़ाया 23.18%, और अब बढ़ के हुआ है 45,685 करोड़ रुपया। औद्योगिक विकास दर जो 2001-02 में -0.61% थी, 2022 और 23 में ये बढ़ के 24% 24% हुई है।